हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक टॉक्स। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं लेयर्स के बारे में, हाउ टू मेक लेयर्स। ओके, तो शुरू करते हैं। लेयर्स, एल ए एंटर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम कभी प्लान वगैरह बना रहे होते हैं या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स होती है। अगर मुझे सबको अलग अलग पार्ट्स में रखना है तो हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं ऐसे। ओके, एल ए एंटर किया, ये विंडो मेरे पास ओपन हो गई। अभी मैंने इसको थोड़ा इधर ले लिया। अभी देखो, ये जो ऑरेंज मार्क है ना, छोटा सा तीन में ऑरेंज मार्क, इसको बोलते हैं न्यू लेयर। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो न्यू लेयर्स ऐड होती जाएंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे लेयर है, राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर सकती हूँ मैं। जैसे सपोज़ अभी यहाँ पे मैंने इसको रीनेम कर लिया वॉल। ठीक है, ये सिविल वालों के लिए है। अगर ये मैकेनिकल ड्राइंग बना रहे तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट्स उसमें पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री ऐसे कुछ भी, तो अगर कर जैसे सकते अगर हो। मैकेनिकल का रहेगा तो उसमें वॉल के साथ जगह पार्ट वन, पार्ट टू वैसे दे सकते हो। इसको यहाँ पे मैंने रीनेम कर दिया, विंडो दे दिया। इसको मैंने यहाँ पे रीनेम कर दिया, टेक्स्ट दे दिया। इसको रीनेम कर दिया, डोर दे दिया। ऐसे हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी प्लान बना सकते हैं, कोई भी प्लान्स बना सकते हैं। अभी वॉल को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इसको मैंने कलर चेंज कर दिया। विंडो को क्लिक किया, यहाँ पे मैंने विंडो का कलर चेंज कर दिया। टेक्स्ट को क्लिक किया, यहाँ पे टेक्स्ट का क्लिक कलर चेंज कर दिया। ऐसे मैं कोई भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, और वैसे यहाँ पे मैं इसका लाइन वेट चेंज कर सकती हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं इसका लाइन टाइप चेंज कर सकती हूँ। मुझे जो भी लाइन टाइप चाहिए मैं पूरे लेयर के लिए ले सकती हूँ। और फिर वैसे यहाँ पे मैं लाइन वेट भी चेंज कर सकती हूँ, जैसा मुझे चाहिए वैसा मैं लाइन वेट ले सकती हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पे मेरी लेयर्स आ गए। ठीक है, अभी सपोज़ मैंने लेयर वो ये वाली ले, कोई भी लेयर ले ली। ओके, मेरी विंडो, मेरी वो वाली, मेरी वॉल वाली लेयर का रीनेम वापस से हो गया। मैं इसको वापस से रीनेम कर देती हूँ। ठीक है, इसको कर दिया क्लोज। अभी ये ग्रीन मार्क का मतलब ये होता है कि जो लेयर है वो करंट लेयर है। ओके, मतलब अभी जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी वो इस लेयर में ही बनने वाले हैं। अभी मैंने सपोज़ एक रेक्टेंगल बना दिया, एक सर्कल बना दिया, ऐसे और भी बना लिया, तो अभी ये वॉल की लेयर में है। अभी सपोज़ मैंने यहाँ से विंडो ले लिया, तो अभी ये विंडो के लेयर में आ गया। अभी सपोज़ मैंने टेक्स्ट ले लिया तो ये टेक्स्ट के लेयर में आ गया। अभी सपोज़ ये विंडो के लेयर को मैं ऑफ़ कर देती हूँ तो ये लेयर ऑफ़ हो गई। फ्रीज़ कर दिया तो फ्रीज़ हो गया। ऑन ऑफ़ और फ्रीज़ दोनों एक ही जैसे वर्क करते हैं और मुझे कुछ इसमें खास डिफरेंस नहीं दिखता। और मैंने अगर इसको लॉक कर दिया तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे दिखेगा बट हम इसे एडिट नहीं कर सकते। लॉक का मतलब ये होता है। ठीक है, अभी मैंने एल ए एंटर किया और यहाँ पे देखो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें चेंज करने का नहीं, प्लॉट स्टैम्प है। बट यहाँ पे अगर ये प्लॉट, अगर मैंने सपोज़ इसको मैंने रेड वाले को ऑफ़ कर दिया। ठीक है, अभी जब हम लोग कुछ भी ड्राइंग वगैरह बना लेते हैं, एट द एंड हमें उसको प्रिंट करना होता है ना, प्लॉट करना होता है ना, तो प्रिंटिंग के लिए तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बट मैं इसमें एक बता रही हूँ एग्जाम्पल देने के लिए। कंट्रोल पी किया मैंने प्रिंट के लिए। यहाँ पे मैं ऐसे ही रैंडमली जेपीजी और ऐसे कुछ भी ले लेती हूँ और डिस्प्ले ही ले लेती हूँ और प्रीव्यू। अभी इसमें देखो मेरी रेड वाली लेयर नहीं दिख रही बिकॉज़ वो प्लॉट में ऑफ है। ठीक है, इसलिए नहीं दिख रही है। अभी मैंने एल एंटर किया और प्लॉट में इसको ऑन कर दिया। फिर अभी मैं कंट्रोल पी करूँ, तो अभी ये दिख रही है, समझिए चीज़। ओके, क्लोज। अभी एल ए एंटर किया मैंने। अभी देखो इसमें ऑप्शन होता है प्रॉपर्टी फ़िल्टर का, यहाँ पे मैंने फ़िल्टर पे क्लिक किया। अभी सपोज़ हम लोग शॉपिंग करते हैं या किसी साइट पे हम लोग विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, तो हम लोग अपने हिसाब से चीज़ें फ़िल्टर कर सकते हैं ना, प्राइस, कलर, साइज़, टैक्स, प्राइस, कलर और साइज़ वगैरह। तो अभी सपोज़ मैं यहाँ पे फ़िल्टर कुछ भी कर सकती हूँ पर मैं कलर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे पास वाइट कलर के तीन हैं, तो मैंने क्लिक किया और वाइट पे क्लिक कर दिया, तो वाइट कलर की जितनी लेयर्स हैं वो फ़िल्टर हो गई। ओके, होपफुली समझ में आ रहा होगा अभी तक।
फिर अभी यहाँ पे ग्रुप फिल्टर है, ये हम लोगों का जैसे मिसलेनियस रहता है ना, हम लोग अपने हिसाब से कोई भी ऐसे ऐड कर दिया जो मुझे अच्छा लगा, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप। ऑल यूज लेयर्स का अलग सेक्शन बन गया, ग्रुप फिल्टर का अलग बन गया, प्रॉपर्टी फिल्टर का अलग बन गया, ठीक है, ये हो गया। फिर लास्ट टॉपिक ये स्टेट मैनेजर, इसमें क्या होता है, अभी मैंने ये लेयर्स बनाई और मुझे इसको बार बार यूज़ करना है अपने दूसरे प्लान्स में, दूसरे प्रोजेक्ट्स में, तो मैं इसको सेव करके रख सकती हूँ। तो उसके लिए क्या करना है मुझे, पहले मैंने न्यू पे क्लिक किया और मैंने इसको नेम दे दिया, कुछ भी नेम दे सकते हैं, प्लान वन ओके कर दिया और एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, कहीं पे भी मैं एक्सपोर्ट कर देती हूँ, ठीक है, क्लोज। अब मैंने इसको वापस से एले एंटर किया और लेयर स्टेट मैनेजर में गई, मैं इंपोर्ट पे क्लिक किया। अभी मुझे प्लान वन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिकॉज इसका फाइल टाइप DWG है। इसको मैं कर देती हूँ LAS, क्योंकि लेयर्स का वही होता है। इसको क्लिक किया, ओपन रिस्टोर स्टेट्स, ये मेरा आ गया। ओके, वीडियो में यहीं पेंड करती हूँ, जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो, तो जब भी न्यू वीडियो डालूंगी मैं तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।